दान पुण्य का पर्व मकर संक्रांति 14 जनवरी को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व पर तिल से बने व्यंजनों का दान किया जाता है। इसी के मद्देनजर बाजार में तिल की मिठाइयों से दुकानें सज चुकी हैं, तो कई जगहों पर हलवाई तिल के लड्डू बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। सूर्य उपासना और दान पुण्य का पर्व मकर संक्रांति जिले भर में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसको लेकर दुकानदारों ने पर्व से संबंधित सामग्री अपनी दुकानों पर सजा दी है। लाई, चूड़ा, तिलवा, तिलकुट, तिल, गुड़ आदि सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों ने भी बाजार की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। वहीं महिलाएं बाजार से कच्ची सामग्री खरीद रही हैं, जिनमें से वे घर में ही परंपरागत पकवान तैयार करेंगी। शुक्रवार को बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। तिल एवं गुड़ से मिठाइयां बनाने का काम भी पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। इधर बाजार पर महंगाई की मार पड़ी है। गुड़ एवं तिलहन से सामग्री की कीमत में तेजी से उछाल है। तिल का पर्व में महत्व अधिक है। पिछले वर्ष तिल 130 से 140 रुपए प्रति किलो की दर से बिका था, लेकिन इस वर्ष इसके भाव 170 से 180 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। इसके साथ ही गुड़ व चीनी की तिलकुट, जो पिछले वर्ष 280 रुपए किलो की दर से बिकी थी, अब इसकी कीमत 300 रुपए के पार हो गई है। इसके अलावा अन्य सामग्रियों की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। मकर संक्रांति पर्व की तैयारी पूरे शहर में अंतिम चरण में है। इस पर्व में उपयोग में ली जाने वाली तिल और गुड़ की मिठाई एवं पतंगों की खरीदारी को लेकर बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों की चहल पहल पड़ गई है। शहर के मुख्य पथ के किनारे तिलकुट की स्टॉल भी सजी हुई है। इन दुकानों में तरह तरह के तिलकुट की बिक्री हो रही है।